Good afternoon, students. How are you? Okay, fine. Now, all of you see what is in my hand. आप देख रहे हैं बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? What is this? Yes, this is a book. ये एक बुक है. Now I open this. मैंने इस तरीके से इसे ओपन किया. ठीक है? ये ओपन किया तो क्या दिखा आपको? विच शेप? दैट इज वी इन शेप. अगर हम इस तरीके से बुक को ओपन करते हैं तो इसका शेप क्या है? दैट इज वी, वी इन शेप, है ना? नाउ यू सी अ गैप. ये गैप देख रहे हैं बच्चों आप? इफ यू ओपन दिस बुक then V in shape. Now you see a gap. This gap is an angle. ये gap जो है वो क्या है हमारा? That is the angle. Clear? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि angle, what is angle? A figure formed by joining these two rays. Initial point, that is the angle. The figure, a figure formed by joining these two rays. Clear? This is two rays joining with this formed an angle. This is an angle. Meets at an initial point. The two arms meets at an initial point. This formed an angle. So this is an angle. Clear? This is the definition of angle. A figure formed by joining the two rays at initial point. This is called an angle. In angle, there is this figure. You can say angle. And the symbol of angle is this. Suppose I give this name. Write B is angle B is. Always write the angle in the middle. जहां भी angle formed कर रहा है उसको हम कहां पे लिखते हैं? बीच में लिखते हैं. जब name लिखते हैं, name देते हैं तो उसको कहां लिखते हैं? angle को बीच में, middle. Here the two rays, the two arms, which that is the BA. These are the two arms meet at a point. These two arms meet at a point and this point is called the vertex. ये point क्या कहलाता है हमारा? Vertex of the angle. Clear? These are the arms. ये दो arms होगी and this is the vertex and this is the angle. I already told you that is this is the symbol of angle and the angle we give the name in two ways. जैसा हमने आपको बताया कि हम ऐसे B A C तो इस तरीके से दे सकते हैं और we can write angle C A B. Means angle जो होता है वो हमेशा मिडिल में लिखा जाता है. ये मैंने आपको भी बताया था और ये साइन हमारा किसका है? एंगल का है. तो द टू रेज विच फॉर्म द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द पॉइंट वेयर द टू रेज मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. एंड हाउ वी राइट? द सिंबल ऑफ द एंगल इज दिस एंड वी राइट द नेम इन टू वेज. दैट इज फर्स्ट वन, that is BAC, or we can write CA. The angle always written in the middle of the this, whatever we have given the name. जो भी हमें यहाँ पे points हैं mention, वो हमें इसके according हमें name देना होता है. जैसे हमने यहाँ पे X, Y, Z है, तो Y हमारा angle formed कर रहा है, तो Y कहाँ जाएगा? हमारा यहाँ पे middle.
Clear? Now the next is, that is the interior and exterior of the angle. ये तो अभी हमने बताया था कि किस तरीके से एंगल फॉर्म कर रहा है, आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, सिंपल क्या है एंगल का और किस तरीके से इसको नेम कर सकते हैं. Now this is the figure. In this figure, the exterior and interior of an angle. Suppose the point I write here P Q and here is R. Interior of an angle, we can say that is point P and point Q. So interior of the angle, which point we can say? Again I repeat, that is point P and point Q. Both are interior of the angle. जो एंगल के अंदर पॉइंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर. और जो एंगल के बाहर पॉइंट शो करते हैं दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. एक्सटीरियर मीन्स बाहर, इंटीरियर मीन्स अंदर. तो ये एंगल के अंदर पॉइंट शो हो रहे हैं दैट इज द इंटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर में हमारा क्या पॉइंट आ रहा है? दैट इज द आर. एक्सटीरियर में हमारा पॉइंट आर. ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. दिस पॉइंट वी कैन से द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एंड पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू वी कैन से द इंटीरियर ऑफ द एंगल. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स, इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी फोर. क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द एंगल्स. अभी हमने आपको एंगल्स का नेमिंग करना बताया था, किस तरीके से हम नेम कर सकते हैं एंगल्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंगल एंड द फिगर इज गिवन. दिस इज द फिगर एंड बी हियर इज ए एंड हियर इज. Now how you name this figure? अब हमें एंगल का नेम देना है, नेम द एंगल. तो हाउ यू कैन गिव द नेम द एंगल? यू कैन गिव द नेम लाइक दिस, दैट इज फर्स्ट यू मार्क द सिंबल. इस तरीके से हम सिंबल बना लेंगे. अब इसके अंदर हम इस एंगल का नाम देंगे. तो ए बी सी ऑल एंगल सी डी ए. आपको हमने बताया था कि एंगल हम कहां मेंशन करेंगे? मिडिल में. बीच में हम क्या रखेंगे? एंगल. तो वी गिव द नेम ऑफ दिस फिगर इन टू वेज, दिस और दिस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट फिगर दैट इज बी. द बी वन इज एंड द फिगर इज लाइक in this way the figure. Here one P, here is N and here is N. How we can give the name? We write angle P and N or angle M and P, because angle we write in middle. Angle को हम कहाँ लिखते हैं? में लिखते हैं. और ये याद रखना है, यहां से शुरू किया तो एम एन पी, यहां से स्टार्ट किया तो पी एन एम. क्लियर? नाउ द सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन. सी पार्ट सेल्फ डूइंग क्लास वर्क, आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू name the arm and vertices of the given angle. अभी हमने आपको बताया था एंगल ड्रॉ करके किसमें आर्म कौन सी है, वर्टिस कौन से हैं. तो इसी तरीके से हमें ये फिगर गिवन है उसमें आपको
आम का नेम बताना है और वर्टिसेस का नेम बताना है, दैट इज द वर्टिसेस. क्वेश्चन इज नेम द आर्म एंड वर्टिसेस ऑफ द गिवन एंगल एंड द फिगर वन इज लाइक दिस एंड नेमिंग इज दैट इज आर्म क्यू एंड हियर इज पी. वी राइट वर्टेक्स एंड आर्म्स. वी गिव द नेम ऑफ दिस और यू सी द फिगर. इस फिगर में वर्टेक्स इज विच वन इज द वर्टेक्स. द टू आर्म्स मीट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. टू द वर्टेक्स पॉइंट इज क्यू एंड आर्म्स दीज आर द टू आर्म्स दैट इज क्यू आर एंड क्यू टी. क्यू आर These are the two arms and vertex is only one. Q. The next figure you see. आ रहा है बच्चों आपको समझ में, क्योंकि हमने ये पहले भी आपको समझाया कि वर्टेक्स क्या है, आर्म्स क्या है. तो अब इस फिगर को देख कर आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें वर्टेक्स कौन सा है और आर्म्स कौन सी है. इन बी द फिगर इज लाइक दिस. C, here is B and now in this vertex, write the vertex and arms. अब बच्चों बताइए इसमें vertex कौन सा होगा? Yes, the vertex point is B. B हमारा vertex है. And the arms. These two are the arms. That is AB and BC. These are the two arms. Now the C part self doing. No. Question number 2. C doing classwork. आपको कहाँ करना है ये भी part? Classwork में करना है. Now you see the third question. In third question, from the given figure, list the points which are in the exterior of angle ABC and the interior of the angle ABC. Then question number 3, we can draw. We draw the figure that is this type angle. C, B, and here is A. Then the points given Y and X, and here is Z, and here is B. Okay, this type of figure is drawn in your book. ये figure आपकी book में बना हुआ है. Clear? Now A point that is in the exterior of angle ABC. In the exterior of angle ABC. अब आपको हमने मीनिंग बताया था एक्सटीरियर का. मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर. इस एंगल में जो ये एंगल ड्रॉ करके दिया है, ड्रॉ करके दिया हुआ है, इसके बाहर आप देखिए कौन सा पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट जेड. इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, एंगल एबीसी के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट जेड. Clear? Now, in the anterior of angle ABC, we are in the interior of angle ABC. अब जो इंटीरियर का मतलब हमने बताया, इंटीरियर मतलब अंदर.
मीन्स ये एंगल एबीसी के अंदर कौन से पॉइंट है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अब आप देखिए अंदर कौन से पॉइंट है हमारे, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, राइट, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, दीज आर द टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी, एंड पॉइंट पी एंड पॉइंट जेड आर द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट क्लास वर्क नोटबुक में सॉल्व करना है।